गाइस गाड़ी तो स्ट्रगल कर रही है, वो रिकी मॉनेस्ट्री अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, जो ऊपर है वही है की मॉनेस्ट्री। तो फिलहाल हम वही जा रहे हैं एंड बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब गोल सा सर्कल सा बने हुए हैं, बहुत प्यारा है। गाड़ी की तो जान निकल जाती है एल्टीट्यूड में पहुँचते। खैर क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी तो गाड़ी है अपनी, लेकिन बहुत साथी है इस गाड़ी ने। ट्रोली मजाक नहीं करूँगा, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ये कर लेगी, लेकिन बहुत बहुत साथ दिया। गया काजा की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री की मॉनेस्ट्री में, काजा की नहीं बोलेगी हम इसको, हम उसको बोलेंगे की मॉनेस्ट्री, क्योंकि काजा एक अलग जगह है, की एक अलग जगह है बेसिकली। तो की के अंदर ये की मॉनेस्ट्री है अपनी, काजा के अंदर अलग मॉनेस्ट्री। आप ये बोल सकते हैं कि स्पीति की एक सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री, बहुत प्यारी लग रही है। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्पीति के सबसे बड़े मॉनेस्ट्री की मॉनेस्ट्री के अंदर। देखिए हमने यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि वीडियो कैमराज आर नॉट अलाउड, बट हम जितना शूट कर पाए उतना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये मॉनेस्ट्री जितनी बाहर से प्यारी है उससे कहीं ज़्यादा अंदर से प्यारी है। काफ़ी अच्छे मॉन्क्स हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, आपको और बुद्धिज़्म कल्चर के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छा लगता है। टू वे ऑनस्ट, मेरा एक ड्रीम था कि मैं यहाँ पे विजिट करूँ एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं अपने बाइक से यहाँ पे गया जयपुर से। काफ़ी प्यारी जगह है, वहाँ पे हमें चाय भी पिलाई गई, चाय का कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका एक गेस्चर है, एक लव ऑफ गेस्चर आप बोल सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो ध्यान वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, बहुत ही अच्छे से हमें चीज़ें समझाई। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे एक बार जाना बनता है। आप सब वहाँ एक बार जाके आए और देखें कितनी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने कितनी बार इस मॉनेस्ट्री पे हमला किया गया है पास्ट के अंदर, किस तरह से इस मॉनेस्ट्री को तिब्बतीन साइड, चाइनीज साइड से इंडिया लाया गया है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। बस फिर हम मॉनेस्ट्री देखने के बाद हम निकल गए चिचम ब्रिज की ओर। अब आप आगे वीडियो में देखिए। तो हमने की मॉनेस्ट्री देख लिया है एंड हम जा रहे हैं अब चिचम ब्रिज की ओर। ये विजिट अगेन का बोर्ड है, बट बाय हवाएं बहुत तेज चल रही है दोबारा से। अब फटाफट फटाफट चिचम ब्रिज की ओर चलते हैं, रास्ता देखते हैं किधर है, और फिर यू नो बैक टू काजा। और अगर वहाँ पे कुछ देखने का होगा तो वहाँ पे चलेंगे, अदरवाइज वी विल गो बैक टू ताबो। कोशिश ये करेंगे आज शाम तक ताबो पहुँचाए एंड वहीं रुक जाए एंड देन अर्ली मॉर्निंग यू नो निकल के अगले दिन हम यू नो कम से कम कोशिश तो यही है कि शिमला पहुंच जाए। लेकिन शिमला आई एम नॉट श्योर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे। मेरे को तो ये भी नहीं पता माइक काम कर रहा नहीं कर रहा, बीच में मुड़ गया था किसी कारण से, मतलब मेरे से ही गलती से है ना, हेलमेट में यू नो कैमरा हिल गया था तो माइक थोड़ा सा मुड़ गया मेरे से। अब माइक टूटने जैसा ही लग रहा है, लेकिन चल गया तो अच्छा ही है, नहीं चला तो फिर क्या ही करता है, किस्मत भी है, किस्मत किस्मत की बात है। रास्ते में ब्लैक आइस जमी है, ब्लैक आइस में बाइक पिसल जाती है। ये हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है ये, हैंगिंग ब्रिज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ही खूबसूरती है, क्या ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा ब्रिज है, लेकिन उससे प्यारी ठंड है और ये हवा है।
बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी एरिया है, खूबसूरत सा इलाका। हाँ वही कर रहा हूँ। वाओ अच्छा लगा, कहाँ था ना यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा और ऊपर चल के आए। हाँ फिर आते समय मैं वीडियो बनाएंगे। -13 डिग्री हो रहा है, ये अपनी बाइक है और ये नज़ारा देखो आसपास का, बेहद खूबसूरत। हाँ मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं गाइस। हमने फाइनली चीचम ब्रिज भी देख लिया, स्नो भी देख ली बहुत ही मजा आ गया। सामने देखो पहाड़ ही पहाड़ है स्नो से भरे, लेकिन ये जो स्नो के पहाड़ होते हैं ना इसमें चलना नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन पता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेत है ये बेसिकली मनाली, आपने देखा होगा मनाली शिमला में तो अपन स्नो में भी चल देते हैं, यहाँ पे आप नहीं चलते। उसके पीछे का रीज़न है कि ये रेत में जैसे आप पानी डालोगे वो क्या बनेगा, दलदल। तो बेसिकली यही होता है कि अगर यहाँ पे आप चलोगे तो दलदल। तो हम भी चलने की कोशिश किए थे, हमारे पैर पूरे कीचड़ में हो चुके हैं हम दोनों के, लेकिन वही है हमने सेफ्टी यूज़ किया था थोड़ा ना, सेफ्टी के साथ ही करते थे। बट हम मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऐसे पहाड़ देखे खा कर ऐसे स्पीति जगह में तो मत ही चले जहाँ पे इतनी बर्फ हो। बर्फ़ के पास फोटो खिंचा ले लेकिन उसमें चलना नहीं है क्योंकि वो दलदल बन जाता है भयंकर, और उसमें आप नीचे जाओगे यू नो फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इतना गहरा दलदल नहीं होता लेकिन दलदल होता है। ओह माय गॉड सामने का नज़ारा देखिए, मतलब क्या ही लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो एक हम तस्वीर लेंगे यहाँ पे रोक के पहले। खूबसूरती दिख रही बर्फ इन पहाड़ों की, क्या ही लग रहे हैं यार ये। मैं एक्चुअली बाइक रोकी है बस, ये मैंने बस यहाँ पे 3-5 मिनट यहाँ पे बिताया बस ये व्यू देखने के लिए। ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे, क्या ही बताऊं। चल ही चलते अब। जाए क्योंकि बहुत दूर जाना है। सो हे गाइस फिलहाल हम हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे जो कि है काजा में। अगर आप काजा से निकल रहे हो बाहर के लिए तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पे फुल टैंकी करा के जाओ। ट्रस्ट मी यहाँ पे पेट्रोल जयपुर से भी सस्ता है, राजस्थान से भी सस्ता है। फिर हम वहाँ से निकले, थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की क्योंकि अगर यार स्पीति आए हैं थोड़ा बहुत तो खरीदारी करके जाएंगे। थोड़ा सामान लिया मैंने, एक वहाँ का फ्लैग लिया जो मैं हमेशा से चाहता था कि यू नो लगाऊँ, तो फाइनली मैंने वो चीज़ बाई की। थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, मेरे पार्टनर ने भी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की और फिर हम निकल पड़े ताबो की ओर। अब आप आगे वीडियो में देखिए, एंड अगर आप लोग अभी भी मैं वीडियो देख रहे हो जो कि बहुत कम लोग देखते हैं 100-150, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इतना तो बनता है यार। गाइस फाइनली यू नो हम निकल चुके हैं स्पीति से वापस घर की ओर। तो आज हमारा डेस्टिनेशन नाको या तो चांगो जहाँ कल रुके थे, एंड ये फ्लैग मैंने लिया मैंने हमेशा से सोचा था यू नो ऐसा कोई फ्लैग मैं अपनी बाइक पे लगाऊंगा। नो डाउट राजस्थान में मिलता है, सब जगह मिलता है, बट होता है ना कि जहाँ की इनकी मान्यता होती है ना अगर वो आप वहाँ से लो ना यार कितना ही अच्छा लगता है। तो मैंने सब हमेशा से यही सोचा था कि जब मैं जाऊँगा तभी मैं ये यहाँ पर लगाऊंगा, एंड फाइनली आई मीन स्पीति लद्दाख ये यहीं पे ज़्यादा यू नो मिलते हैं, यहीं पे इनकी मान्यता ज़्यादा है, एंड फाइनली मैंने इसको खरीद दिया एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंत्र है ये, एक मंत्र है, तो ये मंत्र मेरे साथ है और हम घर की ओर चल रहे हैं। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की है, आप कोशिश यही करेंगे या तो नाको या तो छांगो। फाइनली हम उस जगह में पहुंच गए हैं जहां से हमें नाको की चढ़ाई करनी है। अगर ये हमने आज कर ली ना तो बस बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। धीरे धीरे ट्राई करते गए ना ऊपर पहुँच जाए, ये थोड़ा टफ है यार, ये एक्चुअली में बहुत टफ है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है ना, तो बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। दिक्कत ये है कि नाको में जो है एल्टीट्यूड
ऑलमोस्ट यू नो इतना हाई है कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, ये पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं सारे। यहाँ चढ़ानी बहुत मुश्किल है, एक तो मिट्टी, ऊपर से हाइट, ऊपर से दचके। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। रूट इतना आसानी है जितना दिखता है, बहुत टफ है। ऊपर से यू नो प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा आगे से एल्टीट्यूड का, तो गाड़ी स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। ऊपर से ठंड भी लग रही है, रात होने की शाम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड है और यू नो बहुत प्रेशर। किसी तरह से चढ़ जाए बस, थोड़ा सा और हाइट है उसके बाद तो फिर नीचे ही उतरना है। वहाँ से आप जब आते हो, आप यू नो टापरी की तरफ से, शिमला की तरफ से जब नाकों की चढ़ाई करते हो, किसी तरह से चढ़ भी जाओगे, लेकिन यहाँ पे सड़क ही नहीं है ना। ये सड़क अब मतलब पूरी टूटी फूटी है, एकदम ऑफ रोडिंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो जो प्रेशर है, वो स्ट्रगल है ना, वो आपको खुद को फील होता है। आप गाड़ी चला रहे हो ना, आपको फील होगा, तो मुझे वो हो रहा है फिलहाल। ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन पहुंचना है तो पहुंचना है, क्योंकि अब नीचे तो जा नहीं सकते वापस। हम सोचे थे हम जा लास्ट टाइम रुके तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन हमने सोचा नहीं, हाँ आज की किसी भी एंड से यू नो नाकों की चढ़ाई करके नाकों में ही रुकेंगे हम। सो गाइस अब सबसे टफ स्ट्रेच आ गया, आई डोंट नो कैसे करूँगा। सो बहुत ताकत लगने वाली गाड़ी, आई होप ये हो जाए। बहुत बड़ा स्ट्रेच और बहुत टफ है, पूरा गाड़ी ऊपर चढ़ानी है, साइड से निकालते हैं। धीरे 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 ओ गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। कर जा भाई, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। दस थोड़ा हो जा थोड़ा सा समो एक स्ट्रेच पार हुआ। ये बहुत ऊपर था, एकदम खड़ी चढ़ाई, ऊपर से हाइट, ऊपर से हवा। सड़कें खराब है, कलेंगे। एक बार में हम इतनी ऊपर एल्टीट्यूड पहुंच जाते हैं ना, ऑलमोस्ट 12,500-13,000 एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं एक बार में, तो यही रीज़न है कि ना गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। थोड़ा सा और बचा है पैच, ऑलमोस्ट थोड़ा सा। चढ़ जा। गाड़ी गर्म हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है इंजन पे। हाँ यार फाइनली अब नीचे हो गई सारी चढ़ान खत्म हो गई पिलियन। अब बस नीचे जाना है। लास्ट टाइम मेरी बाइक, मैं आपको बताता हूँ मेरी बाइक कहाँ ख़राब हो गई थी, एंड उसके पीछे रीज़न ऑक्सीजन ही था। यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी कम है और गर्म भी हो जाती है ना।
बिल्कुल यही यही मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, मतलब ख़राब तो नीचे हुई थी, मतलब मैं घसीट के ऊपर लाया था। अब थोड़ा सा हम पानी में ही जाएंगे क्योंकि गाड़ी के टायर ठंडा हो जाएंगे उससे हल्के से। और आप देख रहे हो इस ट्रैच पे मैंने चढ़ाया था और लास्ट टाइम यही मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। बट अब नीचे जाना है, अब कोई स्ट्रेस नहीं है, बस वही है कि ब्रेक्स का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, यू नो ब्रेक्स गर्म हो गए ना, यहाँ पे चढ़ाना लिटरली बहुत मुश्किल था। पता नहीं कैमरा क्या बता रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चढ़ाई थी, ट्रस्ट मी ऑर नॉट। अब यहाँ मैं ब्रेक दबा के रखा हूँ, गाड़ी फिर भी नीचे जा रही है, अब समझ लो अब कितनी ख़तरनाक चढ़ाना है ये छोटी सी। बस यही एक पैच है यू नो काजा से पहले जो बहुत ख़राब है, मतलब अगर तुमने इसको पार कर दिया ना तो ऑलमोस्ट डिफ़िकल्टी आपकी आधी हो जाती है। फिर अगर मैं इसको डिफ़िकल्टी लेवल पे रेट करना चाहूँ ना तो ये 10 में से 8 है एक्चुअल में, क्योंकि अभी रोड भी नहीं बनी है और बहुत ही स्टीव है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा स्टीव है। अब मैं कुछ देर के लेना, नहीं नहीं मैं गाड़ी बंद नहीं करता, बैटरी खाएगी, बट करने की इच्छा थी क्योंकि ठंडा करना है ना गाड़ी को। खैर हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वो आने वाला है, 4 किलोमीटर यहाँ से 9 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर जाएंगे रुकेंगे गाड़ी ठंडी एंड सुबह के लिए निकलेंगे। अब लग रही है भूख, और आपने कुछ हासिल किया उसके बाद तो खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। खैर मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, हाँ फटाफट जहाँ ठहरना है वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं, मैं बता नहीं सकता कितनी ठंडी है, मेरा पिलियन तो बिल्कुल मेरे को पकड़ के एकदम, उसने तो उसको भी ठंड लग रही है भयंकर, लेकिन मैं आगे हूँ तो मुझे ज़्यादा लग रही है, मेरे हाथ जम गए, एक्चुअल में जम गए। जल्दी से जल्दी मुझे बस होटल पहुंचना है, और मुझे दिख रहा है यहाँ से बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। Now we reach to Nako and अब कर रहे हैं डिनर, यहाँ पे रूम मिल गया ऊपर 700 फॉर नाइट, बहुत स्ट्रगल हुआ लेकिन फाइनली वी रिच, अब खाना वाना खा रहे हैं एंड मजा आ रहा है। बस सुबह उठेंगे एंड फिर सिग्नल निकलेंगे। क्या एक्सपोजर आ रहा है यार, क्या ही लाइट आ रहा है।